लखनऊ में आज जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर चर्चा हुई, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सदस्य ऐसा नहीं चाहते कि पेट्रोल की कीमत को जीएसटी काउंसिल जो है वो जीएसटी के दायरे में ले आए। काउंसिल को लगता है कि अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाने का वक्त नहीं आया। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों भाई, पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में अभी नहीं है, लेकिन इन्हें जीएसटी में लाने से क्या होगा? आज आपको यह समझना चाहिए ताकि आपको पता चले कि यह फैसला क्या है और इस फैसले के पीछे की पॉलिटिक्स क्या है। इस क्लास में आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। दिल्ली के बारे में आपको बताता हूं कि दिल्ली में इस वक्त पेट्रोल की कीमत क्या है। पेट्रोल जो है दिल्ली में उसकी कीमत आज की तारीख में है 101 रुपया 19 पैसा पर लीटर, बता रहा हूं प्रति लीटर। और इसको अगर आप ब्रेकअप में देखेंगे तो जो बेस प्राइस होता है, बेस प्राइस वो करीब बैठता है 40 रुपए 78 पैसे। यानी अगर आप इसको देखिए 40 रुपए 78 पैसे। माल भाड़ा यानी जो आप ढुलाई कर रहे हैं उसकी, वो बैठता है 32 पैसा। एक्साइज ड्यूटी यानी जो कि सेंटर के पास जाता है और फिर सेंटर से कहां जाता है वो आगे बताऊंगा, वो आज की तारीख में बैठता है 32 रुपए 90 पैसा। इसके बाद लगता है वैट जो राज्य वसूलते हैं, और ये अगर आप एवरेज निकाल लिएगा मोटे तौर पर ये बैठता है 23 रुपए 35 पैसा। ये आपको दिल्ली का बता रहा हूं कि दिल्ली में और बाकी राज्यों में क्या है वो भी आपको समझ में जाएगा। इसमें डीलर कमीशन भी होता है, भाई डीलर मुफ्त में तो काम नहीं ना करेगा, तो उसको भी आपको कमीशन देना है, तो वो डीलर कमीशन बैठता है करीब 3 रुपए 84 पैसे। अब इन सब को आप जोड़ दीजिएगा तो बैठता है 101 रुपए 19 पैसे। अब अगर आपको बताता हूं कि ये सारी चीजें जो हैं वो जीएसटी के दायरे में अगर पेट्रोल की कीमत आ जाए तब क्या होगा, तब ये तस्वीर क्या होगी? तो बेस प्राइस जो है, ये बेस प्राइस ये वही रहेगा 40 रुपए 78 पैसे, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। माल भाड़ा आपका वही रहेगा 32 पैसे, ये भी नहीं बदलने जा रहा। इसके बाद जो एक्साइज ड्यूटी लगती है 32 रुपए 90 पैसे, ये जीएसटी में आने के बाद ये हो जाएगी कैंसिल, तो 32 रुपए सीधे सीधे बच गए। अब राज्य जो वसूलते हैं वैट 23 रुपए 35 पैसे, ये भी हो जाएगा कैंसिल, नो ना भैया तुम नहीं ले सकते। उसके बाद लेकिन आपको क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। अगर सबसे ऊपर वाले में रख दिया स्लैब में, मान लीजिए 28% वाले में भी रख दिया, अलग अलग जीएसटी के स्लैब है, उसमें में अगर आपने 28% में भी रखा तो यह बैठेगा करीब 11 रुपए 50 पैसे। और जो डीलर कमीशन है वो आपका 3 रुपए 84 पैसे वैसे ही लगता रहेगा। तो अब अगर आप इन सब को मिलाइए तो ये यहां पर जो 101 रुपए 19 पैसे का प्रति लीटर आपको पेट्रोल मिल रहा है वो आपका बैठ जाएगा 56 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर, पर लीटर। तो कहां 101 रुपए 19 पैसे और कहां 56 रुपए 44 पैसे। सीधा सीधा जो 101 रुपए का था जीएसटी के पहले, अगर जीएसटी में पेट्रोल की कीमत आई तो दिल्ली में लोगों के कितने रुपए बचेंगे, 45 रुपए पर लीटर बचेंगे। सीधा सीधा 45 रुपया बचना शुरू हो जाएगा। लेकिन सरकारों को जो आपको 45 रुपए का फायदा दिख रहा है, वो सरकारों को 45 रुपए का नुकसान दिखता है। क्योंकि अगर आप इसको समझना शुरू कीजिएगा कि राज्यों में और सेंटर में हो क्या रहा है, पेट्रोल पर आपको बता रहा हूं कि पेट्रोल पर 2014 में जो एक्साइज ड्यूटी थी, ये पहले आपको एक्साइज बता रहा हूं जो कि सेंटर के पास जाता है, ये 9 रुपए 48 पैसे था पर लीटर, और 2021 में ये बढ़कर हो गया है 32 रुपए 90 पैसे। सरकार का तर्क यह है कि भाई यहां से जो पैसा आ रहा है
वो हम लगा रहे हैं लोगों के काम में, जो मुफ्त राशन दे रहे हैं, मुफ्त वैक्सीनेशन हो रहा है, ये सब में लग रहा है। अब आपको कलेक्शन बताता हूं, ये जो पेट्रोल में जीएसटी माफ कीजिएगा एक्साइज ड्यूटी का कलेक्शन है, 2014-15 में ये करीब 72,000 करोड़ था, करीब आपको बता रहा हूं मोटे तौर पर इतना पैसा पेट्रोल से एक्साइज ड्यूटी आ रही। लेकिन जब वो 9 रुपए से बढ़कर 32 रुपए हो गया तो ये भी बढ़ना है, तो 2020-21 में ये हो गया बढ़कर 2,94,000 करोड़ रुपए, मतलब कहां 72,000 और 2,94,000 करोड़ रुपए। अब आप सोचिए, आपको सुनने में लगेगा कि इतना पैसा सेंटर के पास जा रहा है, नहीं, सेंटर के पास सारा पैसा नहीं जा रहा है, इसमें से भी हिस्सा राज्यों को मिलता है। और जो शेयरिंग का फॉर्मूला है वित्त आयोग हर 5 साल में तय करता है, 5 साल में यह तय होता है कि भाई केंद्र के पास जो एक्साइज ड्यूटी जाएगी उसका कितना हिस्सा राज्यों को जाएगा टोटल टैक्स का। तो अगर आपको वो दिखाऊं कि अगर वो आपके पास हो तो ये आपको पहले बता दूं कि कितना होता है, जो 5 साल में आपको बता रहा हूं कि ये चेंज होता है, इस शेयरिंग में सेस और बाकी स्पेशल टैक्स नहीं होते हैं। तो राज्यों के लिए जो टैक्स का इफेक्टिव हिस्सा बैठता है, पहले 41% होता है लेकिन अगर बाकियों को आप घटा दीजिए तो वो बैठता है करीब 30%। तो आपको जो ये बता रहा हूं 2,94,000 रुपए, इसका 30% भी जो है वो सीधा राज्यों के पास चला जाता है और राज्य जो अपना वैट वसूल रहे वो तो वसूल ही रहे। अच्छा, अब आपको वो नाम भी जानने चाहिए जिन्होंने आज विरोध किया कि जीएसटी में पेट्रोल को नहीं लाइए, डीजल की कीमत को नहीं लाइए, और वो नाम कौन से हैं? महाराष्ट्र। अब मैं आपको हर राज्य बताऊंगा, 6 राज्यों ने विरोध किया लेकिन महाराष्ट्र में उन पार्टियों की सरकार है जो पेट्रोल को लेकर सियासत भी करते हैं और चाहते हैं कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल की कीमत ना लाई जाए। कर्नाटक, यहां पर बीजेपी की सरकार है। केरल, लेफ्ट की सरकार है जो कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, वो नहीं चाहते कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल की कीमत आए। उत्तर प्रदेश बीजेपी की सरकार है, इन्होंने भी विरोध किया कि जीएसटी के दायरे में मत लाइए। मध्य प्रदेश बीजेपी की सरकार है। और आखिर में झारखंड, जहां पर कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। तो सब मिला जुलाकर आपके लिए पॉलिटिक्स में ये कह सकते हैं कि हाय तौबा, तुमको 100 रुपए देना पड़ रहा है, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि जीएसटी के दायरे में आए और आपके पैसे बचे। क्यों? क्योंकि इनको जो रेवेन्यू आता है उसका बड़ा हिस्सा इधर से आता है, और जो ये आपको बड़े बड़े वादे करते हैं या गरीबों के लिए काम होता है वो इसी पैसे से होता है, तो वो सच्चाई आपको बता नहीं सकते, पॉलिटिक्स अलग चलती है। तो ये इस वक्त इस देश में पेट्रोल की कीमत पर चल रहा है। हालांकि जीएसटी के दायरे में आए तो लोगों का सीधा फायदा हो सकता है, लेकिन वो फायदा आपको दिखेगा पेट्रोल की कीमत में। ये ध्यान रखिएगा कि राज्यों को और केंद्र को जो आपकी योजनाओं के लिए पैसा लगाना है वो भी इधर से ही आता है, वो रुकेगा तो आपको दिखेगा नहीं कि नुकसान क्या हो रहा है। तो थोड़ा ये कैलकुलेशन भी पेट्रोल की कीमत की जब चर्चा हो तो करनी चाहिए, समझनी चाहिए। खैर, एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहा हूं, ब्रेक के उस पार टेक्नोलॉजी की क्लास में आपको लिए चलूंगा और बताऊंगा कि कैसे, अब पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो इधर उधर आपको जाने में समय लग सकता है, हो सकता है कि आप बस से जाते हो, मेट्रो से जाते हो, लेकिन न्यूयॉर्क तो इससे नहीं जा सकते, और न्यूयॉर्क जाने में 15-16 घंटे से लेकर अगर कनेक्टिंग फ्लाइट हो तो 30 घंटे लगते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा वो टेक्नोलॉजी जिसमें आप दिल्ली से न्यूयॉर्क 40 मिनट में पहुंचेंगे। जल्द लौट।